चरणजीत सिंह चन्नी इस वक्त आगे चल रहे हैं और इसके साथ गुजरात के जो आंकड़े आ रहे हैं, कन्नौज से एसपी के अखिलेश यादव, गुजरात को लेकर क्या खबर? गुजरात से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। नकुलनाथ की प्रतिक्रिया जल्दी से सुनेंगे। देश भर के लिए क्या उम्मीद है सर? देखिए, एग्जिट पोल जो भी बताए, आज रिजल्ट कुछ घंटे में आपके सामने आ जाएगा। कितना दावा कर रहे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये नकुलनाथ जी, तो गुजरात की 3 सीटों पर इस वक्त बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, इधर क्या अपडेट है फटाफट से बताएंगे। बिहार में एनडीए 22 सीटों पर, एनडीए बिहार में 22 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। आयुष, क्या खबर आपके पास? रुझान क्या बता रहे हैं? देखिए, कैलाश चौधरी की सीट पर रविंद्र भाटी आगे चल रहे हैं, निर्दलीय विधायक थे और एक बार फिर से वो लीड कर रहे हैं। उम्मीदवार राम बेनीवाल और कैलाश चौधरी दो बड़े नेताओं के बीच एक 26 साल का लड़का लीड कर रहा है। आइए, न्यूज रूम में आपकी जरूरत है, जल्दी से न्यूज रूम की तरफ आइए क्योंकि यहाँ पर फटाफट से आंकड़े बदल रहे हैं और इन बदलते आंकड़ों के साथ बदलती तस्वीर दिखानी होगी। खबर ये है कि अखिलेश यादव कन्नौज से इस वक्त पीछे चल रहे हैं, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। गुजरात में 3 सीटों पर कांग्रेस को इस वक्त बढ़त मिल रही है और इसके साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार आगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार पूजा आगे। खबर क्या है? देखिए, बड़ी है कि मनोज तिवारी पीछे नहीं है कन्हैया। देखिए, बड़ी दिलचस्प लड़ाई हो गई है, कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी, बिहारी वर्सेस बिहारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी ये देखना होगा। लेकिन रुझानों में बड़ी टफ फाइट इस वक्त नजर आ रही है। इसके अलावा तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना में भी बीजेपी ने बढ़ाई है बढ़त और 9 सीटों पर लगातार बीजेपी इस वक्त आगे है। पंजाब चलते हैं तो पंजाब में हरसिमरत कौर के सामने बीजेपी की प्रत्याशी और हरसिमरत कौर के सामने एक बड़ी चुनौती बीजेपी ने इस वक्त खड़ी कर दी है। तो पंजाब में भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस वक्त नजर आ रहा है। बीजेपी ने जहां जिन सीटों पर चुनाव लड़ा, जहां उतारे प्रत्याशी, वहां पर अभी मजबूती से निर्दलीय अमृतपाल सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। महिमा, क्या खबर, क्या खबर आपकी कंगना रनौत को लेकर? बड़ी खबर मिल रही है कि मंडी से कंगना रनौत 2000 वोट आगे हो गई है। 2000 वोट, अभी 1000 से पहले आगे चल रही, पीछे चल रही थी, अब 2000 वोट से आगे हो गई है। अच्छा, रुझानों में देखिए अभी क्या आ रहा है। रुझानों में जल्दी से आपको बता दे क्योंकि लगातार पल पल बदलते हुए ये आंकड़े बता रहे हैं किस तरीके से जो नंबर है वो बीजेपी एनडीए के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। 310 पर इस वक्त एनडीए लीड कर रही है और एनडीए 310 पर लीड करने के साथ साथ जो इस वक्त अलायंस है, अच्छा, बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान को बढ़त मिली है अभी और 177 पर इंडिया लीड कर रही है। पूजा, क्या खबर? रायबरेली में पीछे हो गए हैं राहुल गांधी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। रायबरेली में साग की नाक की बात है और अगर यहाँ पर राहुल गांधी पीछे हो गए तो ये तो बहुत बुरी बात होगा। लेकिन इसी बीच हाजीपुर सीट से चिराग पासवान आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, उदयपुर लोकसभा सीटों के भी रुझान आए हैं और साथ ही साथ पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद लगातार आगे बने हुए हैं, रविशंकर प्रसाद के लिए चुनाव प्रचार करने खुद पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। रविशंकर प्रसाद आगे इस वक्त, स्मृति ईरानी इस वक्त आगे चल रही है अमेठी से, स्मृति ईरानी इस वक्त आगे, धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से बढ़त मिली हुई है। आगरा से एसपी सिंह बघेल आगे, एसपी सिंह बघेल लगातार आगे चल रहे हैं वहां से और एसपी सिंह बघेल अपनी जीत को लेकर आगे चल रहे हैं। अमित शाह 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, 80,000 वोटों से इस वक्त अमित शाह